राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? और बताएं कैसी सर्दी पड़ रही है आपके यहाँ? हमारे गांव में तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, लेकिन टीवी की दुनिया में कहीं रोमांस का पारा गर्म है तो कहीं हाई वोल्टेज ड्रामे ने गर्मी बढ़ा दी है। अरे अनुपमा में अनुज का पारा इतना गर्म हो गया है कि दिल्ली की सर्दी में भी पसीने आ जाएं। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिमन्यु को बड़ा झटका लगने वाला है। वहीं कुंडली भाग्य में बढ़ रही है अर्जुन और प्रीता के बीच की नज़दीकियाँ। तो चलिए विस्तार में जानकारी जानने के लिए शुरू करते हैं चुगलियों का शुभारंभ। अनुपमा में इस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है और वजह है चुगलखोर बा और बिना सोचे समझे बोलने वाला वनराज। जब बा और वनराज का कॉम्बिनेशन मिलता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ धमाके होते हैं। होता ये है कि कल की बा की लगाई हुई आग अभी तक बुझी नहीं है। अनुज, अनुपमा और वनराज में तीखी बहस हो रही है, क्योंकि बा हर बात में एक्स्ट्रा मिर्च मसाला लगाकर बता रही है। बा कहती है कि अनुज अनुपमा ने उनका और बापूजी का अपमान किया, इसलिए बापूजी नाराज होकर घर छोड़कर चले गए। अनुपमा कहती है कि बा झूठ बोल रही है, लेकिन वनराज गुस्से में कहता है कि अनुपमा और अनुज झूठ बोल रहे हैं। वनराज कहता है कि गलती आपकी है बा, जो यहाँ सबको लेकर चली आई। क्या जरूरत थी दूसरों के सामने हाथ फैलाने की? अब पराए लोग हैं तो एहसान तो जताएंगे ही। वनराज की बात सुनकर अनुज भी भड़क पड़ता है और चिल्लाकर सभी को गेट आउट कहता है। बा कहती है कि देखो देखो, यही तो ये चाह रहा था। वनराज गुस्से में समर और किंजल और पारितोष पर चिल्लाता है कि पूरे कुनबे के साथ अनुज और अनुपमा के घर आने की क्या जरूरत थी। अब इतना सुनने के बाद अनुज भी फट पड़ता है और पहली बार ये गिनाने पर आता है कि उसने शाह हाउस पर कितने एहसान किए हैं। वो कहता है कि उसने वनराज के कहने पर कभी भी उसके बच्चों का पिता बनने की कोशिश नहीं की। अब इतना सुनने के बाद अनुज भी फट पड़ता है और पहली बार ये गिनाने पर आता है कि उसने शाह परिवार पर कितने एहसान किए हैं। वो कहता है कि उसने वनराज के कहने पर आज तक उसके बच्चों का पिता बनने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमेशा एक दोस्त की तरह उनको गाइड किया है, लेकिन ये सभी लोग एक मौका नहीं छोड़ते मेरी गलती निकालने का। आज नए साल पर भी हम एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन मेरी बेटी दूर है, क्योंकि मुझे पता है जहाँ शाह परिवार होगा वहाँ तमाशा होना तय है। वो बासे कहता है कि वनराज की कसम खाकर बोलो कि उन्होंने मेरी बेटी छोटी अनु की बेइज्जती नहीं की। पड़ोस वाली पंडिताइन बता रही थी कि अनुज का साथ काव्या और किंजल भी देने वाली हैं और वो दोनों मिलकर वनराज पर भारी पड़ने वाली हैं। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में एक के बाद एक नए ट्विस्ट आ रहे हैं। पहले अक्षरा का बच्चा, तो अब अक्षरा की शादी। जी हाँ, अक्षरा अब दोबारा शादी करने वाली है और अभिमन्यु को लगेगा इस बात से बहुत बड़ा झटका। उसे लगेगा कि अक्षरा कितनी मतलबी है, लेकिन अक्षरा तो ये सब अभिमन्यु के लिए ही कर रही है ताकि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। होता ये है कि अक्षरा अभिनव से मदद मांगती है और अभिनव उसकी नौकरी अपने ही ऑफिस में लगवा देता है। इसके बाद दोनों कैफे में इस बात को सेलिब्रेट भी करते हैं और दोनों मिलकर पेस्ट्री खाते हैं, लेकिन तभी अक्षरा की दोस्त उससे मिलने के लिए वहाँ पहुँच जाती है और उसे बताती है कि मनीष उसका गाड़ी में इंतज़ार कर रहा है। अब अक्षरा बड़े पापा की बात सुनकर साथ चलने से मना कर देती है। उधर जहाँ अक्षरा की जॉब लगी है, वहाँ के बॉस की नीयत अक्षरा पर ठीक नहीं है, वो उसे गलत नज़रों से देखता है। अभी तक ये बात अभिनव को पता नहीं है, वरना तो वो उसे वहाँ नौकरी ही ना करने दे। बेचारा दिल का बहुत अच्छा है, हर मुसीबत में अक्षरा को बचा लेता है। अक्षरा की मुसीबत को कम करने के लिए ही वो खुद अभिमन्यु से बात करता है और सच बताता है कि अक्षरा प्रेग्नेंट है। अब अभिमन्यु तो इतने गुस्से में है कि ये बात सुनकर भी अनसुना कर देता है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अक्षरा मनीष को फ़ोन कर बताती है कि उसने शादी कर ली है। अब ये बात बिरला परिवार के अलावा अभिमन्यु भी सुन लेता है। अब आने वाले एपिसोड में देखना होगा कि अभिमन्यु इस बात पर कैसा रिएक्शन देगा। वहीं कुंडली भाग्य में सब कुछ प्लेन में ही हो रहा है। हमारा मतलब है कि प्लेन में ही प्रीता अर्जुन का इलाज कर रही है, जहरीले सांप भी घूम रहे हैं और अर्जुन अंदर ही अंदर रोमांटिक भी हो रहा है। ये बात तो आप सभी को पता है कि अर्जुन को जहरीले सांप ने काट लिया है और प्रीता अपनी जान की परवाह किए बिना उसके शरीर से चूस चूस कर जहर निकाल रही है। एकदम बिल्कुल फिल्म स्टाइल में होता है, जैसे 90s की फिल्मों में होता है, बिल्कुल वैसे ही। अब प्रीता को ऐसा करते देख अर्जुन अंदर ही अंदर इमोशनल हो जाता है और सोचता है कि जो अपने दुश्मन की जान बचा सकती है, वो अपने पति की जान कैसे ले सकती है।
प्रीता पर जहर निकालने के बाद बेहोशी होने लगती है, लेकिन वो समय रहते दवा ले लेती है। इसके बाद सैटेलाइट की मदद से सपेरन बताती है कि एक पाउडर के जरिए सांपों को फिर से सुलाया जा सकता है। इसके बाद सपेरन के बताए हुए स्प्रे को ढूंढने के लिए अर्जुन और प्रीता कार्गो में चले जाते हैं, जहाँ सांप से बचने के चक्कर में अर्जुन और प्रीता बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं और एक दूसरे में खो जाते हैं। इसके बाद सिस्टी और राखी भी मिलकर दोनों की मदद करते हैं। प्रीता को केमिकल तो मिल जाता है, लेकिन उस डब्बे के ऊपर पहले से ही बैठा है सांप। अब देखना होगा कि तीनों मिलकर कैसे स्प्रे के पास तक पहुँच पाते हैं। वहीं गुम है किसी के प्यार में सभी और वीनू की जान बचाने के लिए विराट अपनी जान जोखिम में डाल देता है और छत से लटक कर प्रताप के कमरे तक पहुँचने की कोशिश करता है, लेकिन प्रताप इतना चालाक होता है कि विराट की हरकत को पहचान लेता है और वापस लौटने की चेतावनी दे देता है। दूसरी तरफ सही प्रताप की गर्लफ्रेंड डूही को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी मदद करने से साफ इनकार कर देती है। वहीं साहिबा भी विराट और सही की मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करती है। अब प्रताप को फंसाने के लिए सही एक नया प्लान बनाती है और वो एक वैसा ही दिल बनाती है जैसा प्रताप ने कभी रूही को दिया होगा। अब सही दिल दरवाजे के जरिए प्रताप तक पहुंचा देती है, जिसे देखकर प्रताप को लगता है कि उसकी रूही वापस आ गई। अब जैसे ही प्रताप रूही से मिलने के लिए दरवाजा खोलता है, तभी सही और विराट उसे धक्का देकर अंदर घुस जाते हैं और अपने दोनों बच्चों को बचा लेते हैं। उधर पत्रलेखा की तबीयत इतनी बिगड़ गई है कि उसे अस्पताल में ICU में भर्ती करना पड़ रहा है। अब आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि पत्रलेखा कभी माँ नहीं बन पाएगी, लेकिन सही को अपने वीनू का सच कब पता चलेगा ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। तब तक के लिए आप हमारे शो को देखते रहिए और ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर, लेकिन आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। राम राम।